ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को फिर ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को कुछ स्टेप से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। यहाँ पे कुछ स्टेप से आप सभी को फुल स्क्रीन करके आप सभी को मॉडल को यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है गाइस, तो आप सभी को जो साइड में जो दिख रहा है, आप सभी को वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि यार जो मतलब अभी हमें PNG से लगाने ना, तो उसके लिए आपको जगह छोड़ देनी है, एंड यहाँ पे कर देना अभी डन। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को नोविता और डोरीमोन, ये दोनों हैं। ठीक है, तो पहले हम डोरीमोन का PNG ले लेते हैं, एंड डोरीमोन का जो PNG है हम इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे लगा लेना है, एंड कुछ इस टाइप से लगाने हैं। एंड चाहो तो आप इनके पीछे शेडो भी बना सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, बस बिना शेडो को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप शेडो मत बनाना। उसके बाद आप सभी नोविता का PNG ले लेना है, एंड इस PNG का आप सभी को कुछ इस टाइप से ही जैसे आपने यहाँ पे डोरीमोन को लगाया, इसी टाइप से आप सभी को यहाँ पे भी लगा देना है। ठीक है, तो इसको भी लगा देना है, एंड यहाँ पे आप सभी को सिंपली ये कर देने के बाद आप सभी को अब यहाँ से कर देना आप सभी को डन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे इसका काम तो हो चुका है PNG का। ठीक है, तो आप डन कर देते हैं अब। एंड उसके बाद यार यहाँ पे आप सभी को करना है कि आप सभी को एक लगाना है स्मोक का PNG। तो उसके लिए क्या करना, आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैं यहाँ पे स्मोक का PNG पहले ले लेता हूँ, एंड उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो गाइस, उसके बाद हमने यहाँ पे करना क्या है, आप सभी को जाने से ब्लेंडिंग मोड में इसको कर देना है स्क्रीन, एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी कुछ साइज को इस तरीके से बड़ा करके, एंड कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ लगा देना PNG को। ठीक है, एंड इतना कर देने के बाद आप सभी कर देना डन। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अब आप सभी को जाना है ऐसे FX वाले ऑप्शन में। ठीक है, FX वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को ब्लर में जाना है, जो फर्स्ट वाला ब्लर है जो इसको लेना है, इसका जो अमाउंट आप सभी को रखना है 2 तक। ठीक है, 2 तक इसका अमाउंट रख देना है, एंड उसके बाद आप सभी को कुछ रिजल्ट में जाकर इन्वर्ट कर देना है ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके, एंड उसके बाद आप सभी को इसको पूरे फेस के ऊपर इस टाइप से पेंट कर देना है। तो गाइस, जहाँ पे अब पेंट हो चुका है हमारा अच्छे से, जहाँ जहाँ हमें जरूरत थी, तो उसके बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को थोड़ा सा एक्सपोजर है जो उसका बढ़ा देना है, एंड इजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है, एंड यहाँ से आपको साइज को थोड़ा छोटा करके, एंड फेस के ऊपर करना आप सभी को डोजन बर्न। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को पेंट कर लेना है, एंड जो आपके फेस में आप सभी को लगता है कि यहाँ पे हमें डोजन बर्न करनी जरूरत है, तो आप वहाँ पे भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद जिसका अमाउंट है आप सभी को अराउंड रखना है 5, 6, 7 या 8 तक। ठीक है, 8 तक लास्ट रखना है, एंड उसके बाद कर देना है डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, ऐसे कर लेना आपको अपनी फोटो को सेव। एंड यहाँ पे बात आती है हमारे कलर करेक्शन की, तो कलर करेक्शन करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर हमेशा की तरह। तो यहाँ से हम अपने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं, एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा हो यार, अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड यार आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को साइड में लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जाना आप सभी को, फिर इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, उसके बाद जो हाईलाइट है इसको आप सभी को इंक्रीज कर देना है, शेडो को भी इंक्रीज कर देना है, एंड व्हाइट है जो इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड ब्लैक है इसको बढ़ा देना है। ठीक है, एंड जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप सभी को उसका वाइब्रेशन आप सभी को बढ़ा देना है, एंड टेम्परेचर को हल्का सा कम कर देना है, एंड उसके बाद जाना मिक्स में, फिर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, एंड इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ल्यूमिनस को बढ़ा सकते हो, फिर जाना ब्लू कलर में, फिर उसके बाद आप सभी को उसके ह्यू को माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन को प्लस कर देना है, एंड जाना नेक्स्ट ब्लू में। इसके बाद आप सभी को स्काई ब्लू और डार्क ब्लू आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो कलर देना चाहते हैं सकते हो। ठीक है, तो उसके सैचुरेशन को माइनस कर लेते हैं, एंड कर देते हैं डन। एंड उसके बाद जाएंगे मैं यहाँ से नीचे वाले टूल में। ठीक है, एंड इस वाले टूल में जाने के बाद आप सभी को फोटो की जो क्लियरिटी है आप सभी को उसको थोड़ी सी बढ़ा देनी है, फोटो में विग्नेट डालना आप सभी को थोड़ा सा, एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड जो इसका जाना नीचे वाला टूल में फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है, एंड जो नो डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नो डायरेक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, गाइस आई होप कि आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि आप सभी की लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो लाने में अच्छा लगता है। एंड गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, एंड गाइस वीडियो को जाते जाते अगर आपको इन दोनों में से कोई भी वीडियो देखनी हो तो आपको देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आप देख लो दोनों में से किसी भी क्लिक करके। बाकी आप सबको और वीडियोज़ देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्लिक कर सकते हो, चैनल के लोगों पे, एंड वहाँ जाकर मेरे चैनल की सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।